हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे व्रत के लिए बहुत ही चटपटा नाश्ता। इसे बनाना बहुत इजी है। यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिए है। पानी को ऐसे मैंने कढ़ाई पे बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी अच्छे से गर्म होने के बाद अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं खाते तो यहाँ पर आप व्रत के लिए पीनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2-3 हरी मिर्च बारीक कट करके, साथ ही डालेंगे 1 मीडियम साइज का आलू। इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नमक को अच्छी तरह से मिक्स किया है। अगर आप जीरा हरा धनिया खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कोकोनट पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इस रेसिपी में। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। 1 कप हमने सामा का आटा लिया है। सामा का चावल होता है ना, बस उसी का आटा है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। लो फ्लेम पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एकदम हम इसे डो के फॉर्म में बनाएंगे। जब तक अच्छी तरह से डो नहीं बन जाता तब तक हम इसे पकाएंगे। लगातार हम इसे अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए मिक्स करते रहेंगे। इसे हाथों को ज़रा भी रेस्ट नहीं देंगे। एक कप आटे के लिए 2 कप पानी, ये बिल्कुल सही मात्रा है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। ये देखिए, आटे ने अच्छी तरह से पानी को सोख किया है। एकदम डो जैसा बन गया है। आटा अच्छी तरह से फूल भी गया है। देखिए, इसी तरह से इसमें जो भी गुठले बन चुकी है वो अच्छे से ब्रेक करेंगे हम। ये देखिए, बिल्कुल डो जैसा बन गया है हमारा आटा। अच्छी तरह से फूल भी गए हैं, एकदम सॉफ्ट भी बन गए हैं। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। चलिए हम इसे ढककर रख लेते हैं करीब 1 मिनट के लिए, ताकि और भी अच्छे से फूल जाएगा। आटे को अच्छी तरह से ढककर रख लिया है। अब हम एक थाली लेंगे। हम इसे कोई भी ऑयल भी नहीं लगाएंगे, बस उसी थाली में ये आटा डालेंगे। ये देखिए, हम इसमें घी बटर कुछ भी नहीं लगाएंगे। अच्छी तरह से इसे स्क्वायर शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे गर्म है, गर्मा गर्म हम इसे अच्छे से स्क्वायर शेप देंगे। ठंडे होने के बाद इसे हम अच्छे से शेप नहीं दे पाएंगे। ये देखिए, एकदम स्क्वायर शेप दिया है मैंने। चलिए हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे कट लगाएंगे। इसे भी हम चोकर शेप देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हम बीच में भी एक कट लगाएंगे। इस नाश्ते को हम सैंडविच जैसा शेप देंगे ताकि दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा और देखते हैं इसे खाने का मन हो जाता है। सच में फ्रेंड, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अभी तो हमने इसे फ्राई भी नहीं किया है। प्लेट को हमने कोई भी घी नहीं लगाया है, तभी ये इजीली निकल जाता है। ये देखिए, हम इस नाश्ते को कितनी इजीली निकाल सकते हैं। चलिए हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। गैस पर हमने वही कढ़ाई रखी है। अब हम इसमें डालेंगे घी। हमें इसे फ्राई करने में ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस 2 चम्मच घी डाला है। घी को हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। आप घी की जगह पीनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें नाश्ते को डालेंगे, जितना इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। अब हम इसमें
तीन नाश्ते को डालेंगे, जितने एडजस्ट हो सकते हैं उतने। और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे, एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे पकाएंगे। ऊपर तक एकदम क्रिस्पी हो जाता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है। सच में फ्रेंड ये बहुत ही खाने में लाजवाब है। मेरे घर पर ये रेसिपी सभी को पसंद आई थी, आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही खाने में लाजवाब है। चलिए हम दोनों साइड से अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हम इसे फिर से टर्न करेंगे, दोनों साइड से अच्छी तरह से हम इसे फ्राई करेंगे, एकदम ऊपर से क्रिस्पी हो जाती है। आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर दिन आपको ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए एकदम अच्छी तरह से नाश्ता फ्राई हो चुका है, कलर भी एकदम बढ़िया से आया है। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं, एकदम क्रिस्पी बना है ऊपर से। इसी तरह से हम सभी नाश्ते को फ्राई करेंगे। ये देखिए दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है और फ्रेंड्स खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको व्रत नहीं है तो आप इसे टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं या फिर अपनी मनपसंद की चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। ये देखिए इसे ट्रायंगल शेप कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल सैंडविच जैसा दिखता है। आप मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत ही खाने में लाजवाब है। मैंने यहाँ पर चटनी ली है लेकिन हम जीरा और हरा धनिया नहीं खाते, इसलिए इसे तड़का नहीं लगाया है, बस हल्का सा घी डाला है ऊपर से। अगर आप खाते हैं तो जीरा और हरा धनिया का आप तड़का भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं नाश्ते को एक तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से एकदम सॉफ्ट है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, एकदम करारा नाश्ता है। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।